सत श्री अकाल, सलाम और नमस्कार दोस्तों। मैं आपका होस्ट और ट्रेनर करणवीर सिंह आज आपके लिए आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का थर्ड सेशन लेकर आया हूँ। आओ दोस्तों, मैं आपको एक्सरसाइज की तरफ लेकर चलता हूँ। दोस्तों, मैं आपको प्लैंक की एक्सरसाइज करवा रहा था अपने सेकंड सेशन में। जो जिसने मेरा सेकंड सेशन देखा होगा, हमने फिनिश किया था प्लैंक के ऊपर। आज हम साइड प्लैंक से हमने एक्सरसाइज शुरू करेंगे। साइड प्लैंक में क्या करते हैं कि एल्बो और हमारे टोज के ऊपर, हमारे पांव के ऊपर वेट होता है और हमारी जो ट्रंक है थोड़ी हवा में उठी होती है। मैं आपको एक्सरसाइज करके बताता हूँ। ये एक्सरसाइज हमारे ट्रंक के साथ जो मसल्स काम कर रहे हैं, कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सरसाइज करवाई जाती है और जो हमारे बेली फैट बन चुकी है उसको रिड्यूस करने के लिए। ऐसे ही हमने सेकंड साइड अपनी सेम ऐसे एक्सरसाइज करनी है। जितनी भी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं हमारी मसल स्ट्रेंथ की ड्यूरेशन पे डिपेंड होगी कि कितनी मसल स्ट्रेंथ है उतनी ड्यूरेशन रख सकते हैं। दोस्तों, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं ये भी एक प्लैंक की फॉर्मेशन है। ये ओपन प्लैंक होगा। इसमें हम हमारी जैसे पहले एल्बो थी, इस बार हमारी जो पाम है, हमारे हाथ का पाम है, उसके ऊपर हमारा वेट होगा और हमारे पाम। ये हमारे आर्म्स की मसल को स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। जितनी भी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं ये हमारे स्ट्रेंथ एंडोरेंस को वर्क कर रही है। ऐसे ही अल्टरनेट एक बात याद रखना है कि आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट हो, आपकी बैक स्ट्रेट हो, आपकी आर्म स्ट्रेट हो। दोस्तों, जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं ये भी एक प्लैंक की फॉर्मेशन है, थर्ड प्लैंक फॉर्मेशन है। इसमें क्या है कि ये भी ओपन प्लैंक में आता है। इसमें हमारी बाजू और लेग खुली होगी और सेम ऐसे ही जैसे हमने पहले की। पहले बॉडी को स्ट्रेट कर लेना है, फिर इसको ऐसे मसल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हमने अपनी बॉडी को होल्ड रखना है। सेम नेक्स्ट एक्सरसाइज हम जो करने जा रहे हैं इसमें हमने अपनी बॉडी को अपने शोल्डर के ऊपर और अपने हील्स के ऊपर उठाना है। कैसे, हमने पहले सीधा लेट जाना है। दोस्तों, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं कि सेम वैसी पोजीशन में हमने एक टांग को ऊपर उठा लेना है, वो स्ट्रेट रहेगी और पैर की मूवमेंट डॉर्सल लग जाएगी। ऐसे पहले ऐसे लेट जाएंगे, बॉडी को ऊपर उठाएंगे और हमारे नी के साथ जाती हुई हमारी टांग। याद रखना है कि आपकी बैक ऊपर से उठी हो और आपके शोल्डर्स और आपकी नीज के ऊपर वेट। दोस्तों, हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं ये ब्रिज है। हमने अपनी बॉडी के साथ ब्रिज बनाना है। हमारे आर्म्स और हमारी टांगों पे जो हमारे फीट है उसके ऊपर वेट होगा और हमारी बॉडी के जो बैक है इसका कर्व बन जाएगा। वो करना कैसे है, पहले हमने अपनी पांव को सामने रखना है और जो बिगिनर है, बिगिनर ने कैसे करना है कि अपने हाथ अपने शोल्डर के पास रखना है और बॉडी को आराम से ऊपर उठाना है। ऐसे होल्ड रखेंगे, फिर आराम से नीचे। दोस्तों, आज हमने आइसोमेट्रिक के थर्ड सेशन में अपनी एक्सरसाइज को कुछ कंप्लीट किया है। फिर भी बहुत एक्सरसाइज हैं इसमें, बहुत ब्रॉड एरिया है इसका। मैं अब तीन सेशन में इसको कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, पर लेकिन ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज हैं। जो बिगिनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज अटैम्प्ट कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे ये सेशन बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।